महकमे स्कूल एजुकेशन के पास रिटायर्ड होने वाले असातिज़ा को पैसे देने के लिए फ़ंड ख़त्म हो गए। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर में लीव एप्लीकेशन के लिए 8 अरब रुपये के फ़ंड दरकार हैं। मज़ीद तफ़सील जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लीव इनकैशमेंट एक रकम होती है जो कि रिटायरमेंट के बाद असातिज़ा को एक साल की तनख्वाह एजाजी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है। ये रूल्स के मुताबिक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, महकमा स्कूल एजुकेशन के पास हज़ारों की तादाद में जो एप्लीकेशन है असातिज़ा की, वो इस वक्त इल्तवा का शिकार है। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुक्काम से पूछा गया कि आया क्या वजूहत है, तो उनका कहना था कि उनके पास अभी तक बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो नहीं फ्राहम किया गया, और 8 अरब रुपए की लाइबिलिटीज हैं सिर्फ लीव इनकैशमेंट पेमेंट के ऊपर। लीव इनकैशमेंट पेमेंट जो कि असातिज़ा को रिटायरमेंट के बाद एक साल की आजादी तनखा दी जानी है, और इसमें लाहौर में 80 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज हैं जो कि 80 करोड़ का असातिज़ा को दिए जाने सिर्फ लाहौर के अंदर। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट के बाद में ये रकम देना होता है ताकि असातिज़ा जो है वो एक कानून के मुताबिक उनको ये रकम दी जा सके, लेकिन हुकूमत पंजाब के पास ये फंड नहीं है और इसलिए ये रकम उनको नहीं दी जा सकती। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया।